देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के सब्जी और फल के थोक व्यापारियों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। व्यापारी नवीन मंडी परिसर को स्ट्रांग रूम में और मतगणना स्थल बनाए जाने को लेकर आक्रोशित हैं। चुनाव बहिष्कार का बैनर लिए नारेबाजी कर रहे ये लोग जिला मुख्यालय के सब्जी और फल व्यवसायी हैं। इनकी आड़त की दुकान नवीन मंडी परिसर में स्थित है। जिला निर्वाचन कार्यालय में से इन्हें नोटिस मिला है कि मंडी को एक माह के लिए खाली कर वे कहीं और शिफ्ट हो जाएं। व्यापारी इस तुगलकी फरमान से नाराज हैं और इस आदेश के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित शुल्क जमा करके मंडी में दुकानें लगा ली हैं। अब उन्हें कहा जा रहा है कि एक माह के लिए ये जगह खाली कर दें, ऐसे में उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। वे लोग किसी भी कीमत पर यहाँ से दुकानें नहीं ले जाएंगे। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इस व्यवसाय से संबंधित सारे किसान, मजदूर और व्यापारी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन बहिष्कार की बात कहने वालों की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा। शायद इसलिए इस मामले में भी जिले का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की वजह है कि हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया। आज हम लोग को बताया जा रहा है कि एक महीने के लिए मंडी खाली करना पड़ेगा। अभी तक मंडी खाली थी तो कोई बात नहीं, हम लोग मंडी यहाँ व्यापार शिफ्ट कर लिए हैं। हम लोगों ने अपना आवंटन लिया, 10-10 लाख रुपए की दुकानें लिया है, काफ़ी पैसा हम लोग जमा कर चुके हैं। अब हम एक महीने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, आप बता दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।